आज कितनी शांति है। कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा, हमारा कालिया इसमें उस्ताद जो है। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा। कैसे जग्गू? ये कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। भीम, चुटकी, कालिया, राजू, जग्गू, ढोलू भोलू, इंदुमती और पहलवानपुर से छोटा मन्नू और कीचक। तो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। शुरू करते हैं आसान हाइट से, 1 फुट। कोई बात नहीं ढोलू, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। और 2 फीट की ऊंचाई पार करके अब बच्चे कूदेंगे 3 फीट की ऊंचाई से। 3 फीट तुम्हारे बस की बात नहीं राजू, अब तुम भी जाकर ढोलू भोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। तुम्हारा तो तुक्के से हो गया, देखना है असली चैंपियंस कैसे कूदते हैं, तो अब मुझे कूदते देखो। छोटा मन्नू के गलत पैर पड़ने से उन्हें मोच आ गई है, वो अब आगे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। खूब जंप थी, पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। सब लोग भीम की ही वाह वाह करते हैं, पर आज मैं भी कूद कर दिखाऊंगा। आज कालिया भी फॉर्म में है, पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे, 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। Yeah.
इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी। चुटकी। क्या हुआ मौसी? एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया, चुटकी उसे पकड़ ले गई। और वो देखो, ये मोटू मुझे पकड़ेगा। लाल टोपी के बच्चे का राज जरूर इस टोपी महल में है। चलो लाल पीली हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तिरछी टोपी हुजूर, लड्डू और दो नए गुलाम आपके लिए। बहुत अच्छे लाल टोपी, तुम जल्दी। नहीं, दोस्त तुम्हारे टोपी वाले नहीं हैं। तुम नहीं बचोगे, तिरछी टोपी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। पकड़ो इन्हें। मदद से तो हम कभी भी खो नहीं सकते। और राजू, तुम्हें ये किसने भिजवाया है? प्रोफेसर धूमकेतु ने, क्योंकि जब पिछली बार मैं उनसे मिलने गया था तो रास्ता भटक गया था, पर
अब ऐसा कभी नहीं होगा। कालिया, राजू का कंपास वापस कर दो। वापस क्यों करूं? वैसे भी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अगर ये कंपास तुम्हें इतना ही पसंद है तो रख लो, पर इस लाल बटन को मत दबाना। क्यों ना दबाऊं? लगाना झटका। रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ये बेकार सी चीज। ये बेकार सी चीज नहीं है, ये मैंने नहीं किया। ये क्या हो रहा है? वो देखो। सब लोग इसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। अरे पता है, पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है और दूर से लोग उसे देखने आ रहे हैं। अच्छा, को देखने हम सब चलेंगे। भीम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ढोलकपुर में भी एक ऐसी चीज तो होनी ही चाहिए जिसे देखने लोग दूर दूर से आए और जो ढोलकपुर की शान भी बढ़ाए? ठीक कहती हो चुटकी, क्यों ना हम सब मिलकर ही कुछ बनाए। चलो बनाते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। जग्गू और राजू, तुम दोनों मिट्टी खोदना शुरू करो। भीम, तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और मैं हमारे स्मारक का एक चित्र बनाती हूँ। अरे गांव वालों, जानते हो ढोलकपुर में भी एक बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। मुझे भी देखना है। देखना है, कहां है ये स्मारक? चलो चलो चलो। देखो देखो, ये कितना बड़ा है। पूरा होकर तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ये स्मारक अगर बन गया तो भीम और उसके साथी पूरे ढोलकपुर में मशहूर हो जाएंगे। किसी न किसी तरह मुझे इसे बनने से रोकना ही होगा। कितनी भी कुश्ती कर लो, पर भीम और उसके साथियों को तुम लोग हरा नहीं पाओगे। कालिया, मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? यही कि भीम और उसके साथी अपनी दोस्ती का एक ऐसा स्मारक बना रहे हैं जो कुछ ही दिनों में आसपास के हर राज्य में मशहूर हो जाएगा और तुम सब इस अखाड़े में कुश्ती करते रह जाओगे। कुश्ती। महाराज, आप यहाँ? पूरा ढोलकपुर जिसकी चर्चा कर रहा हो उसे देखने तो हमें आना ही था। इस स्मारक में मैं भी हूँ। क्योंकि तुम भी तो हमारी दोस्त हो और ये स्मारक हमारी दोस्ती का ही तो है। तुम इसे अगले साल तक भी खत्म नहीं कर पाओगे, समझे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम तुम्हारा ये स्मारक मिट्टी में मिला देंगे।
ये गड्ढा कुछ काम तो आया। वाह भीम, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे माफ कर दो भीम, मैंने इस स्मारक को कीचक और उसके साथियों से तुड़वाने की कोशिश की। अरे इसमें माफी कैसी, दोस्ती में नोक झोंक तो चलती ही रहती है। हाँ, ये क्या, बारिश से तो ये स्मारक खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं महाराज, स्मारक रहे ना रहे, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही, और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू, अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम है सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो, देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। भीम तुम तो जल्दी आ गए। महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम मुझे खुशी है कि तुम आ गए, और ये तो अच्छा किया जो अपने सभी दोस्तों को साथ लाए। भीम तुम्हें राजा हरदयाल याद है? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे? जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम, पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। अरे वाह। ओए भीम कैसा है? अरे चिटकी भी आई है। हम काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। महाराज महाराज आप मेरी मदद करें, मैं बर्बाद हो गया। शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये क्या खाएंगे महाराज? ललन हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। और ये क्या,
वड्डी नगर का राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए। शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना। वरना क्या? वरना हम तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो अब, क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। तो तुम तैयार हो बच्चे? हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ भीमा, मजा चखा दो इस शेर सिंह को। सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। तुम्हें तो बस यही सब याद रहता है, ये याद नहीं कि मुझे क्लास में सजा मिली और मैं बेचारा धूप में खड़ा था। उस्ताद तो अंडे की तरह पक गए थे। बेचारे उस्ताद, अब क्लास में आवाज करोगे तो सजा मिलेगी ना। चलो मैंने पहले कभी एक्वेरियम नहीं देखा। और इतनी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी हमने पहले कभी नहीं देखी। एक्वेरियम अद्भुत तो है ही, पर आज हम सिर्फ मछलियाँ ही नहीं देखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। पर वो तो हमारी भाषा नहीं समझ सकती और ना हम उनकी। मैंने ये यंत्र बनाया है, इन्हें अपने कान में लगा लो। क्या है, मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई नाम है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, फीफी है मेरा नाम। कैसी हो फीफी, एक्वेरियम में रहना पसंद है? क्या हुआ, घर की बहुत याद आती है? नहीं। तो फिर परेशानी क्या है? मुझे मेरे बहन भाई जीजी कीकी दीदी की बड़ी याद आती है, वो अब भी समंदर में रहते हैं। सोचो तुम सब साथ होते हो तभी मजा आता है ना, अगर अकेले हो जाओगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल सच फीफी। क्या तुम जीजी कीकी दीदी को यहाँ ला सकते हो, जिससे हम सब यहाँ मिलकर साथ रह पाए? हाँ फीफी, हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। जी जी कीकी दीदी, तुम्हारे भाई फीफी ने हमें भेजा है, उसने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। Ooh!
मछली खाने से दिल दिमाग तंदुरुस्त होता है और नजरें तेज हो जाती हैं। Doom!